हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अपूर्व ठाकुर। दो मामले पिछले एक हफ्ते में सामने आए थे हिमाचल को बदनाम करने की, जो एक तरह से आप इसे साजिश भी कह सकते हैं, ना केवल हिमाचल प्रदेश के वासियों को बट हिमाचल प्रदेश की पुलिस और पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रूफ समेत ये सब कुछ जनता के सामने रख दिया है कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे पूरी तरह से गलत है, और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबूत भी शेयर किए हैं। तो दोनों मामलों में जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि दोनों जो टूरिस्ट थे वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों चंबा घूमने आए हुए थे। तो चंबा पुलिस पर बार बार ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने जो कार्रवाई है जो बनती थी वो नहीं की, जिसके लिए ये उनके पास गए थे। पहला केस है परमजीत सिंह, जो एक ASI हैं चंडीगढ़ पुलिस में, और दूसरा था एक NRI कपल जो कि चंबा घूमने आया हुआ था। तो पहले जो परमजीत सिंह है उनकी जरा बात कर ले, जो ASI है चंडीगढ़ पुलिस में। इन्होंने कहा था, आरोप लगाया था अभद्रता का, कि इनके साथ जो है गाली गलौज हुआ, यानी कि सिविलाइज बिहेवियर नहीं था लोकल्स का। और उसके बाद जब पुलिस भी बीच में आई तो पुलिस ने जो है इनकी सुनवाई सही ढंग से नहीं की। पुलिस ने सबूत के साथ आज पूरी तरह से ये जो आरोप है इन्हें ध्वस्त करते हुए सबूत पेश किया है कि ASI साहब ने अपनी फॉर्च्यूनर गलत जगह लगाई थी, पार्क की थी। इस पर जब उन्हें बोला गया वहां से गाड़ी हटाने के लिए, तो इसको लेकर उन्होंने बहस की, जिसके गवाह बहुत से टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं वहां के। मामला यहां तक पहुंच गया कि SHO को खुद इंटरवेन करना पड़ा, और आज हिमाचल प्रदेश पुलिस ने फोटो जारी करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क की गई थी, दैट वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रैफिक। इस वजह से, और ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, ही वॉजंट कोऑपरेटिंग। तो SHO लेवल के अधिकारी को जाकर जो है मामला सॉल्व करना पड़ा, लेकिन सीधा सीधा आरोप लगा दिए गए कि भाई उनके साथ जो है बदसलूकी की गई, जबकि गलती उनकी थी कि उन्होंने अपनी पार्किंग या अपनी गाड़ी इस तरह से पार्क नहीं की थी कि जिससे जो है किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरा मैटर उससे भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें एक NRI कपल था जो पंजाब आया हुआ था, फिर उनका प्लान बनता है चंबा खजियार घूमने का। उन्होंने यहाँ पर तो कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब वो वापस पंजाब पहुंचे तो वहां से बड़े संगीन आरोप लगाने शुरू किए, ना केवल हिमाचल पुलिस पर पूरे हिमाचलियों पर, कि जो कुलविंदर कौर वाला इंसिडेंट हुआ है कंगना का, उसको लेकर सारे हिमाचली बौखला गए हैं। एक तरह से वो आग बबूला हुए पड़े हैं, और पंजाब से आए जो टूरिस्ट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो संभल कर जाइएगा अगर आप हिमाचल जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कंगना के मैटर से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस पर वहां के एक मिनिस्टर ने भी 0 FIR रजिस्टर करवाई, लेकिन आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसका भांडा फोड़ा है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअल में ये लोग सेंसेस में नहीं थे, और ये वहां कर क्या रहे थे जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये वहां पर लोकल महिलाएं हों या टूरिस्ट महिलाएं हों जो अन्य राज्यों से आई हों, या फिर जो फॉरनर टूरिस्ट वहां पर थी उनके हाथ पकड़ रहे थे जबरदस्ती, ये कह के कि हम जो है ज्योतिषी हैं, हम हाथ देखकर जो है भविष्य बताते हैं। इसको लेकर जब लोकल्स ने अपना विरोध दर्ज किया और इनके बीच कहासुनी हुई जो मारपीट में कन्वर्ट हो गई, तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश ने इनका बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट तौर पे ये व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं चाहिए, मुझे अपना मेडिकल नहीं कराना है, और इसने साइन किया है बकायदा उस पर। मेडिकल इसलिए नहीं कराना था क्योंकि पीके था, झमेला इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि महिलाओं से छेड़छाड़ का ये मामला बन रहा था। अगर ये व्यक्ति अपनी जगह सच्चा होता तो वो किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट जा सकता था, अपना मेडिकल करवा सकता था और बोल सकता था कि मेरे साथ गलत हुआ है। पर इसने ऐसा इसलिए नहीं किया, इसने मामले को वहां पर सॉल्व करने का सोचा क्योंकि ये गलत था। पंजाब जाके इसको याद आया कि इसके साथ गलत हुआ है, वहां जाकर इसका विक्टिम कार्ड फटाफट से जेब से बाहर निकल के आ गया, और सारे हिमाचलियों को इसने बदनाम करने के लिए जो इसके मन में आया वो इसने वहां जाकर बोला, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, जबकि
चंबा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस कैटेगोरिकली इन दोनों थ्योरीज जो ये इल्जाम लगाए गए सबूत देकर, और यहां तक कि हर एक थाने में कैमराज है, कल को ये भी नहीं बोल सकता कि इसको जबरदस्ती से ये स्टेटमेंट लिखवाई गई। इसने स्टेटमेंट खुद लिखी, पढ़ी, फिर साइन किए, जिसमें खुद कह रहा है कि इसको झमेला नहीं चाहिए, किसी तरह के पंगे में ये नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि यहां पर ये लोकल महिलाओं के साथ और फॉरेन टूरिस्ट के साथ छेड़खानी कर रहा था। तो ऐसे में छित्तर परेडी होगी और क्या होगा। लेकिन पंजाब जाके पूरी स्टेटमेंट बदल दी। अच्छा, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई पर्टिकुलरली पंजाब साइड टूरिस्ट के अगेंस्ट ही ऐसा हो रहा है क्या, पर मैं इस पर नहीं जाऊंगा जब, क्योंकि ये पूरी तरह से एक विक्टिम माइंडसेट की कहानी है कि जब आप गलत पाए जाते हैं तो आपने किसी ना किसी तरह अपने आप को डिफेंड करना होता है, क्योंकि ऐसा बहुत सी बार पहले भी हम देख चुके हैं। अब मैं आपको ज्यादा पीछे ना जाते हुए पिछले एक हफ्ते का एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले सिर्फ एक हफ्ते का एग्जाम्पल दूंगा। मनाली में एक भाई साहब पंजाब से आते हैं इनोवा गाड़ी लेकर अपनी, उस पर नीली बत्ती लगाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एम्बुलेंस में, बड़ा बड़ा उस पर एम्बुलेंस लिखवाते हैं, और जैसे मर्जी हूटर जोर से बचाकर, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम लग रहा है मनाली में, बहुत ज्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, तो जाम में ना फंसे और टोल इनको ना देना पड़े, गरीब होंगे बेचारे, तो टोल से बचने के लिए और ट्रैफिक की लंबी लाइनों से बचने के लिए इस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल गाड़ी को एक फेक तौर पर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया, उसमें हूटर लगाया, उस पर लाल बत्ती लगाई, उस पर बड़ा बड़ा एम्बुलेंस लिखवाया। जब ये व्यक्ति पकड़ा गया तो भी आप इसका एटीट्यूड देख सकते हैं, और जब ये व्यक्ति पकड़ा गया तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसका 23,000 रुपये का, पहले तो इससे खुद बत्ती उतरवाई, फिर इसका 23,000 रुपये का चालान किया। अब इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह का अराजक तत्व कहां से आ रहा है, परसेप्शन बिल्डिंग कैसे हो रही है, और फिर बाद में विक्टिम माइंडसेट लेकर उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैसे कैसे झूठे आरोप हिमाचल पर और हिमाचल प्रदेश पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, जिससे बहुत ही खूबसूरती से मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए इसको बस्ट किया है कि मामला बिल्कुल दूसरा था और इन्होंने पूरा टूरिज्म को हिट करने के लिए पूरा झूठ अपने मन से बोल दिया। दूसरा मामला, ये भी पंजाब नंबर गाड़ी थी। अच्छा, एम्बुलेंस के केस में आपको बताना भूल गया, पकड़ में इसलिए आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हूटर का यूज कर रहा था, रैश ड्राइविंग कर रहा था, और साथ में राइट हैंड साइड पे सिद्धू मूसेवाला की उसने फोटो लगा रखी थी। अब अगर नकल के लिए भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है, ऑब्वियसली किसी भी एम्बुलेंस पे कोई कुमार सानू, सोनू निगम, दलेर मेहंदी, किसी सिंगर का अगर पोस्टर लगाएगा तो ऑब्वियसली बात है, शक होगा कि भाई एम्बुलेंस जेन्युइन है भी है कि नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस पे आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा केस ऊना से। यहां पर एक व्यक्ति पंजाब की नंबर गाड़ी में पंजाबी फेक डीएसपी बन के घुस के हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल्स को डरा रहा था, धमका रहा था, तो उन्होंने कहा जनाब फिर आप दिखा दीजिए अपना आईडी कार्ड, दिखा दीजिए, आईडी कार्ड दिखाने को बोला, तो फिर थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर जब उठा के लेके गए थाने, फिर जब वहां पर इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि भाई ये तो फेकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ डीएसपी इन पंजाब पुलिस। अब ये क्या है, ये प्रूव हो चुके मामले में आपको बता रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं अभी मैं एक हफ्ते से पीछे नहीं जा रहा हूं। तीसरा मामला, अभी मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले जसदीप सिंह फ्रॉम कुराली। बहुत सी बार ये लोकल से आकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि लोकल्स इनको अपनी ड्यूटी समझ के समझाते हैं कि भाई नदी के ज्यादा पास मत जाना, यहां पर आपको देखने को लग रहा होगा बट फ्लो बहुत तेज है और पहले बहुत सी मिसहैपनिंग यहां पर हो गई हैं। अगर वो ऐसी सिंपल सी बात भी इन्हें समझाएं तो ये उनसे लड़ने लगते हैं। अब हुआ क्या इस केस में, ये बेचारा कुराली से यहाँ घूमने आया था जसदीप सिंह, और ये ब्यास नदी में जो है बह गया। जो लोकल्स आपको समझा रहे हैं उनकी बात आपने नहीं सुननी है, उनसे लड़ाई करनी है, और फिर जब आप नहीं सुनते हो तो नतीजे इस तरह के होते हैं। और बहुत से केसेस हो गए, आप गूगल पे डालिए मनाली ब्यास में कितने टूरिस्ट जो है दे हैव ड्राउंड, सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट ने जबकि वहां पर साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, लोकल्स आपको बताते हैं बार बार, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बट ये आपकी शायद गलतफहमी है, आपकी शायद ये माइंडसेट है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये सारी कलाबाजियां यहाँ पे नहीं चलने वाली, फिर ऊपर से झूठ बोल के विक्टिम कार्ड खेलो। कुछ ही समय पहले अभी हिमाचल का ही एक बेचारा टेम्पो ट्रेवलर था, उसने ओवरटेक किया पंजाब नंबर की एक फॉर्च्यूनर को, इसी बात पे दोनों लड़ गए। मनाली हाईवे एक्सप्रेसवे जो आता है वहां की ये घटना है, दोनों गाड़ी से उतरते हैं, लड़ने लगते हैं, लड़ते लड़ते ब्यास नदी में गिर जाते हैं और दोनों की जान चली जाती है।
तो आप खुद देखिए कि आप कैसी परसेप्शन बना रहे हैं, कि आप किस तरह के टूरिस्ट हैं। आप फेक गाड़ियां एम्बुलेंस बनाकर ला रहे हैं, अपने आप को फेक डीएसपी बता रहे हैं। और ये जो अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते 2 केसेस हुए यहां पर, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कैटेगोरिकली सबूत सामने रख दिए कि आप पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। आप सही होते, आप यहीं रुकते, हॉस्पिटल जाते, मेडिकल कराते, मीडिया के पास सामने जाते, खुद फेसबुक लाइव करते कि मेरे साथ गलत हुआ है और पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। आपने मेडिकल नहीं कराया क्योंकि आप शराब के नशे में यहाँ की लोकल औरतें और टूरिस्ट महिलाओं का हाथ पकड़ रहे थे जबरदस्ती, इसलिए आपकी पिटाई हुई, इसलिए आपको मेडिकल नहीं कराना था, इसलिए आप बोल रहे हो, खुद एप्लीकेशन में लिख रहे हो कि मेरे को कोई झमेला नहीं चाहिए। वापस जाकर आपको सब कुछ याद आ जाता है, फिर आप झूठा आरोप लगा रहे हो। ये तो कंगना के करके हमारी पिटाई होगी। तो कैसी परसेप्शन बिल्डअप हो रही है ये पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए? और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एक मिनिस्क्यूल छोटा वर्ग है जो आता है, जो पूरी तरह से अराजक है। अदरवाइज मैक्सिमम टूरिस्ट जो पंजाब हरियाणा दिल्ली से आते हैं तो वो वेल एजुकेटेड है, वो एंजॉय करने आते हैं, दे नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कुछ ऐसे जो तत्व है, इनकी वजह से पूरी एक स्टेट का नाम खराब होता है। तो अभी मैंने कुछ ही केसेस बताए हैं, ऐसे केसेस बहुत से हो चुके हैं अराजकता के, हुल्लड़बाजी के, हुड़दंगबाजी के। पिछले ही साल ऐसा ही एक वाकया हुआ था, पार्किंग को लेकर लोकल्स के बीच और पंजाब से आए युवकों के बीच मारपीट हुई, जिसमें पंजाब के एक युवक की जान चली गई। तो ये सोचने वाली बात है। आप आइए, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वो यहां पर बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी भी तरह की गलत फहमी अपने दिमाग में मत रखिए। और बहुत से लड़ाई झगड़े पार्किंग की वजह से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर मैं सिर्फ शिमला की बात करूं, पिछले 10 दिनों में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां शिमला एंटर हो चुकी हैं, यानी कि 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट शिमला आ चुका है। 1 इंच भी गलत गाड़ी अगर आपने पार्क करने की, वैसे कोई जगह नहीं है, पर अगर आपने की तो या तो आपकी गाड़ी टो कर ली जाएगी, या हैवीली चालान होगा, या आपकी किसी ना किसी से, चाहे वो लोकल हो या कोई दूसरा बाहर से आया टूरिस्ट, उसके साथ आपका जो ऑल्टरकेशन है, लड़ाई होना, वो 100% ऑब्वियस है। इसलिए आइए, अपने आप को अच्छे तरह तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट का नाम खराब मत कीजिए। और खासकर ऐसे झूठे आरोप, ऐसे फ्रिवलस आरोप हिमाचल पर, हिमाचल की जनता पर और हिमाचल प्रदेश पुलिस पर बिल्कुल ना लगाइएगा। धन्यवाद।